मूवी की शुरुआत रुखसाना नाम की लड़की को दिखाने से होती है, जो हर दिन अपने डैड के साथ बीच पर सर्फिंग के लिए आया करती है। और अब ऐसा करते ही हम देखते हैं कि रुखसाना धीरे धीरे काफी बड़ी हो जाती है, और यहाँ हम देखते हैं कि वो काफी अच्छी स्विमर भी बन चुकी थी। और अब अगले सीन में हमें रुखसाना को उसके क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर बता रहे होते हैं कि कैसे पानी के 30 मीटर अंदर तक जाने के बाद फेफड़े के अंदर का दबाव बढ़ने लगता है, और ये दबाव और नीचे जाने पर बढ़ने लगता है, जिससे मौत भी हो सकती है। अब क्लास खत्म होने के बाद रुखसाना को उसके घर जाते हुए देखते हैं, जहां घर पहुंचने पर उसकी मॉम के साथ उसकी झड़प हो जाती है, क्योंकि रुखसाना के डैड के मरने के बाद उसने भी सुसाइड करने की काफी कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास भेजती रहती है ताकि वो फिर से कोई मेंटल वाला काम ना कर सके। लेकिन यहाँ पर रुखसाना अपनी मॉम को बताती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अभी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि रुखसाना अपनी मॉम को झूठ बोलकर इसके लिए चली जाती है, जहां वो ड्राइविंग क्लास ज्वाइन कर लेती है। तभी यहां पर उसकी मुलाकात एक टॉम नाम के बंदे से होती है, जो कि एक स्विमर होता है, और यहां पर पहली नजर में ही टॉम को रुखसाना काफी पसंद आ जाती है, जिसके बाद टॉम रुखसाना को अपनी बोट पर लेकर आता है। और वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट भी पहले से ही होते हैं, जो कि खुद भी ड्राइविंग सीखना चाहते थे, और फिर ड्राइविंग के लिए सभी जरूरी जानकारी सभी को बताते हैं। तभी वहां पर ड्राइविंग चैंपियन भी आ जाता है, जो कि उन्हें मोटिवेट करते हुए कहता है कि अगर आप अपने डर को काबू कर लेते हो तो ड्राइविंग करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग पानी में उतर जाते हैं। बाहर रुखसाना देखती है ये रहकर बिना किसी सेफ्टी के नीचे जा चुका है, और ऐसा देखकर वो उसे काफी इम्प्रेस भी होती है। अब रात के टाइम हम सभी स्टूडेंट को पार्टी करते हुए देखते हैं, जहाँ पर रुखसाना जब आती है तो रहकर उसे देखकर ही रह जाता है, क्योंकि उसने पहली बार उसे नोटिस ही नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर अब ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, और जब रुखसाना बाथरूम जाती है तो रहकर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं, और डायरेक्टली इंटीमेट भी हो जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर सारे लोगों को पता चल चुका था कि ये लोग अंदर क्या कांड करके आए हैं, और ये सब जानकर टॉम को काफी बुरा लगता है, और रहकर की गर्लफ्रेंड को भी काफी गुस्सा आ रहा था, और इसी वजह से वो यहाँ से चली जाती है। और अब अगले सीन में हमें इन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर रहकर उसे ड्राइविंग सिखा रहा होता है, जिसके बाद वो वापस उसे अपनी ड्राइविंग बोर्ड पर लेकर आता है। लेकिन ये बात उसकी एक साथी को सही नहीं लगती, और वो कहता है कि रहकर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेगा, जिसमें काफी सारा रिस्क भी है, और तुम्हें तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और आज वो 170 मीटर की गहराई में जाएगा ताकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर सके। ये सुनकर रुखसाना का डर और एक्साइटमेंट दोनों ही बढ़ जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रहकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दिन आ चुका था, जहाँ पर वो 170 मीटर की गहराई में 2 मिनट में अप डाउन कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रुखसाना अपनी मॉम से बात कर रही है, जो कि उसे फिर से वापस लौटकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कह रही होती है। लेकिन यहाँ पर रुखसाना अपनी मॉम की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती, और उसको अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बताती है। अब अगले दिन रहकर को पता चलता है कि किसी बंदे ने 179 की दूरी तय करके उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, इसलिए रहकर भी उस बंदे के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कॉम्पिटिशन में दोबारा भाग लेता है। लेकिन लौटते टाइम वो बेहोश हो जाता है, जिसके चलते वो उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाता है। यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि अगर रहकर ने ड्राइविंग कंटिन्यू रखी तो उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है, पर रहकर इस बात को ज्यादा ध्यान दिए बिना रुखसाना को ट्रेनिंग देने के लिए चला जाता है। इसके बाद जब कंपटीशन का दिन आता है, तब रुखसाना वर्ल्ड कैटेगरी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है, और ऐसा देखकर वहां के सारे लोग बहुत खुश होते हैं। और यहां पर रुखसाना की मॉम भी आई हुई थी, जो रुखसाना
रुखसाना को इस अमेजिंग काम के लिए बधाई देती है और फिर उसे वापस चलकर अपनी स्टडी पर फोकस करने को कहती है। पर रुखसाना अपनी मोम की एक भी नहीं सुनती और फिर अपनी मोम को गले लगा कर वहाँ से चली जाती है। और अब हम देखते हैं कि रुखसाना फिर से एक बार ड्राइविंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती है, जिसमें वो फिर से सारे रिकॉर्ड को तोड़ देती है और उसके तरीके से उसकी एक नई पहचान भी बन जाती है और उसका इंटरव्यू भी लिया जाता है। और यहाँ रुखसाना अपनी कामयाबी से बहुत ही खुश होती है। और अब अगले सीन में हम एक लड़की को फोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है। उसे बातें करते हुए रुखसाना भी देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है, जहां वो देखती है कि रहकर एक लड़की के साथ मजे कर रहा है और उससे बहुत ही ज्यादा दुखी होकर गोदाम के पास चली जाती है और उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कहने लगती है। और डॉम यही तो चाहता था और यहीं पर ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगली सुबह रुखसाना अपने घर से सारे सामान पैक करने लगती है क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहती थी। हालांकि उसे रोकने के लिए रहकर काफी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर रुखसाना उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है और ऐसा देखकर रहकर अपने हाथ से शीशा तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जख्मी हो जाता है और इमोशनल होकर रुखसाना भी उसके पास ही रुक जाती है। और अब अगले दिन रहकर रुखसाना की प्रैक्टिस करवा रहा होता है, तभी रुखसाना के फोन पर टॉम का मैसेज आया था। ऐसा देखने के बाद वो उसे डिलीट भी कर देती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं जब इन सारे लोगों का इंटरव्यू चल रहा था, तभी रुखसाना रहकर को अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को आंख मारते हुए देख लेती है, जिसे देखकर रुखसाना समझ जाती है कि रहकर कभी नहीं सुधरने वाला है और इस बात से निराश होकर वो अपने घर आकर काफी रोती है। अब आगे जाकर हम देखते हैं कि रुखसाना का कॉम्पिटिशन डे भी आ चुका था, जिसमें उसे 180 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना था और यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की जिम्मेदारी टॉम की थी और वो अपने काम को काफी अच्छी तरीके से करता है। लेकिन तभी उसके पास रहकर आता है, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर को चेक करने लगता है कि उसने अपना काम सही से किया है या नहीं। और अब सब कुछ चेक करने के बाद रुखसाना को तैयार किया जाता है, जिसके बाद वो पानी के अंदर जाने लगती है। लेकिन काफी नीचे जाने के बाद उसे पता चलता है कि गैस सिलेंडर खाली है। हालांकि उसकी टीम उसे जल्दी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर काफी लंबा वक्त गुजर जाता है, जिसकी वजह से रुखसाना की मौत हो जाती है। और अब इसके बाद पुलिस टॉम को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है, क्योंकि गैस सिलेंडर भरने की जिम्मेदारी उसकी थी। लेकिन टॉम की सफाई देने के बाद पुलिस उसे जाने देती है और फिर पुलिस रहकर को हिरासत में ले लेती है। पर रहकर की भी सफाई देने के बाद पुलिस उसे भी जाने देती है और यहीं पर इस मूवी का डी एंड हो जाता है। पर हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि असली कातिल कौन था। आप सभी को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना।